स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में। और सीसीएनई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपलोड कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओएसआई मॉडल के बारे में कि ओएसआई मॉडल क्या है, ये क्यों हमें हमारे लिए ज़रूरी है, ये मार्केट में क्यों आया, क्या देखते हुए मार्केट में आया और ये किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे ओएसआई मॉडल के काम करने के तरीकों को एक कहानी के थ्रू, जिससे कि आप लोगों को एकदम माइंड में आपके सेट हो जाए कि ओएसआई मॉडल किस लेयर पे किस तरीके से काम करता है। तो बढ़ते अपने लैब में आगे और सबसे पहले जो आप लोगों के सामने में स्लाइड आता है वो है ओएसआई मॉडल हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको क्यों हमें मार्केट में लाने की ज़रूरत पड़ी। तो पहले क्या था दोस्तों, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ तो मैं केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बात कर सकता था, अगर मेरे को लिनक्स सिस्टम से बात करनी तो मैं लिनक्स सिस्टम से बात नहीं कर सकता था। तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन थी कि डिफरेंट वेंडर के बीच में हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। तो ये बात थी 1984 के पहले की। 1984 में यानी जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्थ केयर के लिए, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है ना जो कि नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल RFI और जो भी चेंजेस करने होते हैं IP रिजर्वेशन वगैरह वो देखती है एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वही ऑर्गेनाइजेशन जो है एक मॉडल मार्केट में लेके आई जिसे कहते हैं OSI मॉडल। ये बोला कि जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस हैं अब उन सभी को OSI मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, ताकि दो डिफरेंट डिवाइस यानी दो डिफरेंट वेंडर के डिवाइस के बीच में हम लोग आपस में बात कर सके। यानी अगर मैकबुक को अगर विंडोज के PC से बात करनी है तो इन दोनों के बीच में बात हो सके, या मैं ये कहूँ IBM के मशीन को किसी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट या जूनीपर या सिस्को के किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करना हो तो वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल के लिए एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास आईफोन है और हम बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम किसको हो रही है, हमको प्रॉब्लम हो रही, राइट, यूज़र को प्रॉब्लम हो रही। तो यूज़र की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक मॉडल को हम लेके आए जिसे कहते हैं OSI मॉडल। तो जानते हैं दोस्तों कि OSI मॉडल में क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो ये रहा आप लोगों के सामने में डायग्राम जिसमें कि लेयर 1 से लेयर 7 तक आप मॉडल देख रहे होंगे। हर लेयर का डिफरेंट नेम है और हर लेयर का डिफरेंट काम करने का तरीका है, ठीक है। तो इसको याद अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एप्लीकेशन A से ऑल एंड P से पीपल आप बोल सकते हैं पीपल, S से सीम्स कर सकते हैं सीम्स, T से टू नीड, N से नीड, D से डेटा एंड P से प्रोसेसिंग। तो इसको आप याद करने का ये तरीका है, जो पहली बार नेटवर्किंग में OSI मॉडल को देख रहे हैं उनको हम यही तरीका बताते हैं, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। बाद में आप धीरे धीरे जैसे काम करेंगे तो आप लोगों को सारे के सारे जो नेम है एक्चुअली वो याद हो जाएंगे, आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करते हैं, इनका क्या रोल है, ये जानने के लिए मैं आप लोगों को सुनाता हूँ एक कहानी, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, हमारे बॉलीवुड की कहानी है। क्या हुआ था कि इंडिया में एक प्रोजेक्ट आया था मूवी का, जिसको कि दिया था हमारे CEO साहब यानी अमिताभ बच्चन जी को, यानी अमित जी जो थे वो CEO थे उस प्रोजेक्ट के, उस मूवी के, और उनको उस मूवी को ट्रांसफ़र करना था USA में हॉलीवुड के किसी एक्टर को, अगर हम इसको बोल दें, क्योंकि ये लेडीज है इसको हम बोल देते हैं एंजेलिना जॉली बोल देते हैं, ठीक है, A से एंजेलिना हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ A से अमिताभ हो गया, ठीक है। तो एंजेलिना जॉली जी को ये मूवी ट्रांसफ़र करनी थी अमिताभ जी ने, तो ये मूवी उन्होंने बिल्कुल तैयार कर दी, लेकिन गलती क्या करी अमिताभ बच्चन जी ने कि उन्होंने उस मूवी को जो है हिंदी लैंग्वेज में जो है डब कर दिया। अब एंजेलिना जॉली जी को तो हिंदी समझ में आती नहीं है, तो अब ये काम कैसे होगा वहाँ तक मूवी पहुँचाने का, तो आप देखें, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी ने मूवी को रिकॉर्ड किया, उन्होंने मूवी डब कर दी हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। अब हिंदी लैंग्वेज तो भैया उनको तो समझ में आती नहीं है एंजेलिना जी को, तो उन्होंने क्या करा, अमिताभ बच्चन जी ने फाइल को प्रोसेस कर दिया आगे, यानी प्रेजेंटेशन लेयर के पास, यानी प्रेजेंटेशन लेयर में आपके आगे प्रेस रावल जी ने कहा देवरे देवा ये तो हिंदी फॉर्मेट में है और एंजेलिना जी को जो समझ में आता है वो आता है इंग्लिश। तो इन्होंने क्या करा कि जो हिंदी में जो अमिताभ बच्चन जी ने जो मूवी का फॉर्मेट था दिया था प्रेस रावल जी को, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। अब प्रेस रावल जी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने देखा कि अच्छा जी ये हिंदी में था, उन्होंने इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर दिया। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने उस डेटा को आगे प्रोसेस कर दिया शाहरुख खान जी के पास, यानी सेशन लेयर के पास। शाहरुख खान जी ने देखा अच्छा जी ये डेटा मेरे पास आ गया, क्या मैं एक बार कन्फर्म कर लूँ कि एक्चुअल में ये डेटा जिसको ट्रांसफ़र करना है वो रियल में सच में एंजेलिना जॉली जी हैं या
हो सकता है वो डेटा प्रोसेस कर दें आगे, लेकिन वो किसी और को डिलीवर हो जाए, फिर तो सारी मेहनत गई पानी में। तो इसीलिए शाहरुख खान जी ने क्या करा कि उनकी सेक्रेटरी के साथ एक सेशन इस्टेब्लिश किया। डेटा को प्रोसेस करने से पहले उन्होंने चाहा कि वो कंफर्म कर लें कि एक्चुअल में वो डेटा सही पर्सन को प्रोसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो शाहरुख खान जी ने जो है प्रोसेस कर दिया आगे, और उन्होंने एक सेशन रखा। उन्होंने बोला, ए भैया क्या आप एंजेलिना जी की सेक्रेटरी बोल रही हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ जी हाँ, हम सेक्रेटरी ही बोल रहे हैं उनके। और उस पे उन्होंने कहा, अच्छा जी, अगर सेक्रेटरी बोल रही हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो उन्होंने अपनी कोई मूवी पूछ ली कि भैया जी मेरी मूवी कौन सी थी जो लास्ट टाइम पर आई थी, और उन्होंने सही बता दिया। तो ये हो गया वहाँ पे वेरिफिकेशन, यानी सेशन लेयर पे एक वेरिफिकेशन होता है, एक सेशन इस्टेब्लिश होता है किसी भी डेटा को आगे प्रोसेस करने से पहले। ठीक है, तो हो गया जी कंफर्म, जी हम सही बंदे को ये डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। बात आई ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जी आ गए टॉनी जी, यानी स्टार्क, टॉनी स्टार्क यानी जो आयरन मैन है हमारे। ठीक है, ये डेटा पहुंचा उनके पास, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर पे बैठे थे टॉनी जी। टॉनी जी ने कहा, अरे यार ये मूवी तो तुम्हारी 6 GB की है यार, बड़ी बहुत बड़ी जी मूवी है, इतना तो एक साथ ट्रांसफर करूंगा तो यार दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 6 GB वाले मूवी को जो है ना मैं ब्रेक कर देता हूँ, 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB, इस तरीके से उन्होंने ब्रेक कर दिया उसको। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये मूवी मैंने ब्रेक तो कर ली है, अब मैं इसको प्रोसेस कैसे करूँ? यार मैं प्रोसेस कर दूंगा, पर अगर रास्ते में ये 1 GB का एक पार्ट मेरा गुम हो गया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? तो उन्होंने कहा, अच्छा जी एक काम करता हूँ, मैं इस मूवी को TCP के थ्रू ट्रांसफर कर देता हूँ, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये दो आपके प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP एंड UDP, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। TCP की फॉर्म, UDP की है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि टॉनी जी ने उस डेटा को ब्रेक कर लिया। ठीक है, अभी बाकी मैं आप लोगों को इस झोल में नहीं फंसाना चाहता हूँ। ठीक है, तो टॉनी जी ने डेटा को जी छोटे छोटे पार्ट में उन्होंने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद वो डेटा को उन्होंने क्या कर दिया, आगे प्रोसेस कर दिया नाना पाटेकर के पास, यानी नाना पाटेकर बैठे हुए नेटवर्क लेयर पे। नाना पाटेकर ने कहा, आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, अभी ये मेरा भाई मेरे को बोलेगा इस डेटा को आगे प्रोसेस करो। अरे कैसे करना है ये जानने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं प्रोसेस करूंगा आपको क्या? तो नाना जी ने कहा, यार ये डेटा को मैं किस तरीके से ट्रांसफर करूं आगे? ठीक है, नेटवर्क लेयर का काम होता है बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना, यानी नाना पाटेकर जी के पास जब ये डेटा पहुंचा उन्होंने कहा, अच्छा जी दो तरीके हैं इस डेटा को ट्रांसफर करने के, या तो पानी के रास्ते समुद्री जहाज के थ्रू, या फिर फ्लाइट के थ्रू यानी एयरलाइन के थ्रू। तो उन्होंने कहा, यार समुद्री जहाज के थ्रू अगर मैं डेटा ट्रांसफर करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए ये रास्ता अच्छा नहीं है, बेस्ट पाथ जो है वो है फ्लाइट के थ्रू। तो उन्होंने क्या करा, फ्लाइट के थ्रू डेटा को जो है मूव कर दिया US के लिए, यानी उन्होंने आगे प्रोसेस कर दिया डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर को उन्होंने बताया कि ये रास्ता है, आपको इस रास्ते को फॉलो करना है US जाने के लिए, और ये डेटा को लेके जाना है। डेटा लिंक लेयर पे आपके भाई साहब आ गए धर्मेंद्र जी। उन्होंने कहा, बसंते इन कुत्तों के सामने मत नाचना। उन्होंने कहा, यार डेटा लिंक लेयर पे मुझे जो है ये 6 पैकेट तो मिल गए हैं, मेरे को सोर्स और डेस्टिनेशन यानी मेरे को मेरा ये डेटा कहाँ से आ रहा है और मुझे कहाँ जाना है इसकी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा? यार कल के दिन ये डेटा मैं लेके गया, रास्ते में किसी ने इस मूवी के कुछ कॉन्सेप्ट को बदल दिया, उसमें कुछ ऐड कर दिया है ना, तो इसकी गारंटी कौन लगा? तो धर्मेंद्र जी ने कहा, ठीक है जी मैं इस डेटा को आगे प्रोसेस करता हूँ, लेकिन मैं अपनी ओर से इस पे एक स्टिकर लगा देता हूँ जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि ये डेटा जब सामने वाले को रिसीव होगा तो वो एग्जैक्टली करेक्ट डेटा उसको रिसीव हुआ है, यानी कि 6 पैकेट थे वहां पे मूवी के, उन 6 के पैकेट पे धर्मेंद्र जी ने एक स्टिकर लगा दिया कि ये जी अपने अमिताभ बच्चन जी की तरफ से आया है, तो इसको बड़े सेफ्टी के साथ ले जाना। उन्होंने कुछ वहां पे झोल मोल कर दिया जिससे कि वो केवल जब रिसीवर को मिलेगा वो ही वेरीफाई कर सकता है कि हाँ मेरे को 6 पैकेट जो मिले हैं वो करेक्ट मिले हैं। तो इसीलिए धर्मेंद्र जी ने वहां पे एक स्टिकर लगा दिया। तो डेटा लिंक लेयर पे धर्मेंद्र जी ने अपना काम कर दिया, और उसके बाद उन्होंने डेटा को आगे प्रोसेस कर दिया किसके पास, हमारे फिजिकल लेयर के पास, यानी जहाँ पे कौन बैठे हुए थे आपके, पंकज त्रिपाठी जी यानी कालीन भैया। उन्होंने कहा, डेटा मेरे पास आ रहा है ये जरूरी नहीं, डेटा को आगे प्रोसेस करना है ये जरूरी है। तो उन्होंने डेटा को जो है प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस कैसे किया फिजिकल लेयर ने? उसने कहा, फिजिकल लेयर ने देखा, यार ये डेटा जो मेरे पास आया हुआ है ये आया 0101 की फॉर्म में, लेकिन ये डेटा जाना है फ्लाइट के थ्रू,
तो मैं इसको उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करके इसको आगे प्रोसेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए फिजिकल लेयर में आइदर आप केबल से कनेक्टेड रहते हो, दो सिस्टम के बीच में केबल से आइदर कनेक्ट रहते हो या वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट रहते हो, तो जिस अकॉर्डिंग आप कनेक्टेड हो, जो आपका माध्यम है ट्रांसमिट करने का डेटा को, ये उसके अकॉर्डिंग ही डिजिटल सिग्नल में या एनालॉग सिग्नल में फॉरवर्ड करेगा आगे को। तो वो डेटा आपका पहुंच गया कहाँ, सामने रिसीवर के फिजिकल लेयर के पास। अब फिजिकल लेयर के पास जब यूएस में पहुंच गया वो डेटा, तो फिजिकल लेयर ने उस डेटा को कन्वर्ट किया 0101 की फॉर्म में और वो प्रोसेस कर दिया डेटा लिंक लेयर की तरफ को। तो डेटा लिंक लेयर ने कहा, अच्छा जी इस पे तो स्टिकर लगा हुआ है जो कि वेरीफाई करने के लिए धर्मेंद्र जी ने लगाया हुआ था, तो मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। डेटा लिंक लेयर ने वेरीफाई करा, अच्छा जी चेकसम यानी जो मेरे को एड्रेस मिला हुआ है एरर कोड वगैरह वेरीफाई करने का, वो मैंने चेक कर लिया, सारा डेटा कुछ सही है। अगर कोई डेटा यहाँ पर अगर खराब निकलता, कोई भी मिस्टेक निकलती, तो वो वापस फिर प्रोसेस कर देता इधर किन के पास, सेंडर के पास। तो यहाँ पर डेटा सब कुछ सही निकला, तो उन्होंने क्या कर दिया, डेटा लिंक लेयर ने वो हेडर हटा दिया वहाँ से, स्टिकर हटा दिया और प्रोसेस कर दिया नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर ने कहा, अच्छा जी ये मेरे को डेटा मिल गया है, यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ कि सोर्स एड्रेस जो है ये हमारे इंडिया वाला एड्रेस दिख रहा है और डेस्टिनेशन एड्रेस, अच्छा ये हमारे सीईओ का एड्रेस मिल रहा है, तो ठीक है इसको आगे हम प्रोसेस कर देते हैं और इसमें से ये दोनों हेडर मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर ने कहा, अच्छा जी ये तो 6 पैकेट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, मैं एक काम करता हूँ इनको आप कंबाइन कर देता हूँ, क्योंकि सामने वाले ने भेजना था वो भेज दिया, उन्होंने कंबाइन करके इसको बना दिया फिर से 6 GB का। अब 6 GB का कंबाइन करने के बाद उसने आगे प्रोसेस कर दिया 6 GB का फॉर्मेट अपने सेशन लेयर के पास, यानी जहाँ पे कि हमारी तरफ से शाहरुख खान जी बैठे हुए थे। सेशन लेयर ने कहा, अच्छा जी डेटा तो मेरे को रिसीव हो गया, अब मैं ये बात कंफर्म कर देता हूँ अपने सेंडर से यानी शाहरुख खान जी से। उन्होंने कहा, जी शाहरुख खान जी आपने जो डेटा भेजा था वो हमें रिसीव हो चुका है, तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी। शाहरुख खान ने, ठीक है भैया रिसीव हो गया चलो फिर, और यहाँ पे उन्होंने अपना सेशन फिर ब्रेक कर दिया, उनका काम हो चुका है। क्योंकि सेशन लेयर के बाद उन्होंने ये डेटा आगे प्रोसेस कर दिया प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर ने देखा, अच्छा जी ये डेटा तो मेरे को जो रिसीव हुआ है ये 01 और 01 की फॉर्म में मेरे को रिसीव हुआ है, लेकिन जो हमारी एंजेलिना जी हैं जो सीईओ हैं हमारी कंपनी की, वो तो 01 01 समझती नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं इस फॉर्मेट को अब मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इंग्लिश में और इनके लैपटॉप के सामने में मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इन्होंने फॉर्मेट को कन्वर्ट किया उस फॉर्मेट में जो कि एप्लीकेशन लेयर अंडरस्टैंड कर सकता है, तो एंजेलिना यानी एप्लीकेशन लेयर मतलब एंजेलिना जी यहाँ पे, ठीक है जॉली जी, तो उनको वो फिर मूवी कंप्लीट मिल गई और जो है उनका काम बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन होता है। तो फिर से मैं एक फटाफट एक झलक बता दूं, यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी के पास मूवी थी हिंदी फॉर्मेट में, ठीक है, उन्होंने प्रोसेस करा प्रेजेंटेशन लेयर के पास यानी प्रेस रावल जी के पास। उन्होंने कहा, अच्छा जी ये तो हिंदी में है, मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने प्रोसेस कर दिया शाहरुख खान जी के पास। शाहरुख खान जी ने कहा, अच्छा जी ये डेटा मुझे रिसीव हो गया, मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ उनके सेक्रेटरी से, क्या मैं उनके साथ सेशन इस्टेब्लिश कर सकता हूँ यानी ये डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ, और साथ ही क्या मैं वेरीफाई कर लूँ कि जिस पर्सन को ये डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं वो करेक्ट पर्सन है या नहीं। उसके बाद बात आई टॉनी जी के पास, टॉनी जी ने कहा, अच्छा जी ये डेटा मेरे को रिसीव हो गया है और लेकिन ये डेटा बहुत बड़ा है साइज में, एक साथ इतना डेटा ले जाना जो है खतरे से खाली है, इसीलिए हम एक काम करते हैं इस डेटा को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके अलग अलग तरीके से भेजते हैं, यानी अलग अलग तरीके नहीं मतलब इसको सेगमेंट करके हम भेजते हैं। ठीक है, तो टॉनी जी ने अपना काम कर दिया और भेज दिया नाना जी के पास। नाना जी ने कहा, अच्छा है। उन्होंने कहा, अच्छा मैं आप लोगों को एक राइट पाथ बताता हूँ कि इस डेटा को आपको किस रास्ते से लेके जाना है। नाना जी ने अपना काम करा भेज दिया धर्मेंद्र जी के पास। धर्मेंद्र जी ने कहा, अच्छा जी ये डेटा आपने मेरे को 6 पैकेट में दे दिया और साथ में मेरे को आपने एड्रेस भी दे दिया कि मेरे को किस रास्ते से ले जाना और कहाँ ले जाना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस पे एक चेकसम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक स्टिकर यहाँ पे लगा देता हूँ, जिससे कि ये वेरीफाई हो जाए कि जो डेटा सामने वाले को रिसीव हो रहा है वो करेक्ट डेटा उसको रिसीव हो रहा है या खराब डेटा या रास्ते में किसी हैकर ने उसको चेंज कर दिया। तो ये सब करते हुए धर्मेंद्र जी ने जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया पंकज जी के पास। पंकज जी ने कहा, अच्छा जी डेटा ले जाना ये जरूरी है, तो उन्होंने क्या करा डेटा को जो है उनको जिस फॉर्मेट में रिसीव हुआ था उस फॉर्मेट से उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अपने अकॉर्डिंग, यानी जिस तरीके से उनको ले जाना है, यानी उनको देखा, उन्होंने देखा अच्छा जी ये डेटा फ्लाइट के रास्ते ले जाना, तो ठीक है जी हम फ्लाइट के रास्ते इसको ले जाएंगे और उसके तौर तरीकों को फॉलो करते हुए हम उसको लेके जाएंगे, और वो सीधे लेके गए सामने वाले फिजिकल लेयर के पास यानी यूएसए में, और वहां पे फिर सेम कहानी होती है इसके अपोजिट, यानी फिजिकल लेयर ने डेटा को कन्वर्ट किया डेटा लिंक लेयर में, ठीक है, यहाँ पे उनको रिसीव हुआ सिग्नल में या 0 0 या एनालॉग या डिजिटल सिग्नल में, उसको कन्वर्ट किया और सामने प्रोसेस कर दिया डेटा लिंक लेयर की तरफ। डेटा लिंक लेयर ने कहा, अच्छा जी मेरे को जो हैडर जो धर्मेंद्र जी ने लगाए हुए थे एरर चेक के लिए वो मैं वेरीफाई कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, जो भी है यहाँ पे सेक्रेटरी जो भी डेटा लिंक लेयर पे उनका,
और उसने वेरीफाई करने के बाद भेज दिया आगे नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर ने कहा अच्छा जी सोर्स एंड डेस्टिनेशन की डिटेल आप लोगों ने मेरे को दी है, मैं समझ गया इसको कहाँ प्रोसेस करना है। उसने प्रोसेस कर दिया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर ने कहा अच्छा जी ये डेटा तो ब्रेक का है, यानी 6 पार्ट में ब्रेकेबल है, मैं इसको एक साथ कंबाइन करके प्रोसेस कर देता हूँ सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर ने जैसे ही वो डेटा रिसीव किया तो सेशन लेयर ने कहा अच्छा जी मैं इत्तला कर दूँ हमारे सेंडर को कि हमें आपका भेजा हुआ डेटा मिल चुका है। तो इन्होंने उनको एक्नॉलेजमेंट दे दी और यहाँ पे उनका सेशन ब्रेक हो गया। उसके बाद उन्होंने आगे प्रोसेस कर दिया प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर ने देखा अच्छा जी ये डेटा इस फॉर्मेट में है, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इस फॉर्मेट में जो कि हमारे सीईओ यानी एंजेलिना जॉली जी को समझ में आ जाए। और उन्होंने प्रोसेस कर दिया एप्लीकेशन लेयर के पास और वहाँ पर उनके डेस्कटॉप पर ये डेटा या फाइल जो है वो अब ओपन कर पा सकती हैं कर सकती हैं आई मीन जो भी है। ओके तो ये थी कहानी। अब इसी को अब हम टेक्निकल तरीके से समझते हैं और इस पे कौन-कौन से प्रोटोकॉल काम में आते हैं वो हम समझते हैं, तो आप लोगों को इजी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल टर्म में अब एप्लीकेशन लेयर की। तो एप्लीकेशन लेयर पे हम काम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको प्रैक्टिकली अगर यहाँ पे दिखाऊं तो मैं आप लोगों के सामने में ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ और ब्राउजर पे अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने google.com टाइप किया हुआ है। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे google.com टाइप करता हूँ और आप देखें यहाँ पे राइट क्लिक करें तो देखेंगे कि इसके सामने पे ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ रहा है HTTPS। तो ये प्रोटोकॉल जो है आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। इसको एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाला प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अभी आप लोगों के सामने मैंने एप्लीकेशन ओपन किया है ये गूगल क्रोम है, यानी गूगल क्रोम क्या है आपका एप्लीकेशन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड पे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन के तौर पे आप गूगल क्रोम मोजिला इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो कि आप अपने डेस्कटॉप इंस्टॉल करते हो और वहाँ पे फिर आप इन प्रोटोकॉल को यूज करते हो जो कि आपके सामने पे मैंने यहाँ पे नोटेड किए हुए हैं। HTTP आपने देखा है कॉमनली यूज होता है, HTTPS बहुत ज़्यादा कॉमनली आप लोगों ने देखा है, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो कॉमनली आप अपने डेली लाइफ पे देखते हो। तो यानी ये सारे प्रोटोकॉल जो आपके काम करते हैं वो करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। तो एप्लीकेशन लेयर पे मैंने google.com जैसे टाइप किया अपने ब्राउजर पे, तो हमारा ब्राउजर जो है उस google.com को जो है वो ट्रांसलेट कर देता है HTML में। और वो ट्रांसलेट करने का काम अब कौन करेगा, वो काम करता हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, राइट। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। यानी मैंने जैसे google.com टाइप किया google.com, तो वो रिक्वेस्ट आई आपके ब्राउजर के पास और ब्राउजर ने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया किसमें, HTML लैंग्वेज में, जो कि वो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है जिसको कि वो समझता है। तो ये काम ट्रांसलेट करने का काम किसने किया, ये काम किया आपके प्रेजेंटेशन लेयर ने, राइट। उसके अलावा आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, डेटा कंप्रेशन होता है। यानी अगर आपके पास बहुत बड़े साइज का डेटा है तो वो उसको कंप्रेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 GB का डेटा है तो वो उसको कंप्रेस कर देगा 8 MB पे। इससे क्या होता है कि अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, कोई लाइव वेबिनार या कुछ भी अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये फिर आपके लिए हेल्पफुल होता है कि वो डेटा को कंप्रेस करके फिर आप तक उसको पहुँचाता है, जिससे कि आपकी स्पीड में बढ़ोतरी हो जाती है। उसके अलावा जो मेन काम जो होता है हमारे प्रेजेंटेशन लेयर का, वो होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। यानी कोई इंक्रिप्टेड डेटा अगर आपको मिलता है तो वो उसको डिक्रिप्ट कर देगा या डिक्रिप्ट डेटा को वो इंक्रिप्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन क्या होता है, तो मैं समझाता हूँ कि मैंने लिखा हेलो, ठीक है, हेलो को वो इंक्रिप्ट कर देगा कुछ इस तरीके से, #1253, जिसको कि कोई और समझ ही नहीं सकता। फिर इसी डेटा को डिक्रिप्ट करना कहलाता है कि इस डेटा को लेते हुए आपका प्रेजेंटेशन लेयर इसको कन्वर्ट कर देगा हेलो में। तो ये कहलाता है आपका डिक्रिप्शन, यानी इनक्रिप्ट डेटा से उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। या अगर हम कहें प्लेन टेक्स्ट से अगर आप इनक्रिप्ट कर रहे हो डेटा को, ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हो जो कि रीडेबल नहीं है, तो उसको कहते हैं हम इनक्रिप्शन, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, आपने बहुत टाइम एक टर्म सुना भी होगा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ठीक है। उसकी बात करते हैं, बात अब हम करते हैं शाहरुख खान की, यानी सेशन लेयर की। ए भैया ठीक है, तो सेशन लेयर का काम मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि शाहरुख खान ने एक अपॉइंटमेंट फिक्स करी थी सेक्रेटरी के साथ और उसके साथ कंफर्मेशन लिया कि क्या आप जेन्युइन यूजर है जिसको कि मैं अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो वो डेटा को कैसे वेरीफाई करता है कि वो जेन्युइन यूजर तक फॉरवर्ड कर रहा है, तो वहां पे आते हैं टर्म आपके ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। यानी ऑथेंटिकेशन में क्या करता है कि वो डील करता है कि क्या आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आप करेक्ट एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फेसबुक पे जब लॉग इन करते हैं, आपके पास पे एक लॉग इन पेज आता है,
आता है राइट, तो वहां पे वो पूछता है आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड राइट। जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड वहां पे एंटर करते हो तब जाके वो आपको आपके फेसबुक पेज तक ले जाता है, यानी डेटा को आगे तक प्रोसेस करता है। तो सेम काम होता है आपके सेशन लेयर पे कि जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करता है वो आपके रिसीवर से, आप सेंडर हैं, सामने वाला रिसीवर है, ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ जी ये आप जेन्युइन रिसीवर हैं या कोई आप हैकर हैं। उसके बाद ऑथराइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले को जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो उस पर क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो, या सामने वाले को आप क्या क्या एक्सेस दे सकते हो। मैंने ओनली अपने डेटा जो मैंने सेंड किया उसको मैं केवल रीड एक्सेस दे रहा हूँ, तो मैं रीड ही ओनली यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, राइट एक्सेस मैं नहीं देना चाहता तो मैं नहीं दूंगा। तो ऑथराइजेशन भी आप वहाँ पे परफॉर्म करते हो, यानी सेशन लेयर पे दो काम होते हैं आपके, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब आप कंफर्म कर रहे हो कि जो सामने वाला बंदा है वो जेन्युइन है या नहीं है, यानी सामने वाला जो मशीन है। अब मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करूंगा कि जिस रिसीवर को आप अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वो जेन्युइन है या नहीं है। ऑथराइजेशन का मतलब कि उस रिसीवर को आपने क्या क्या अपने डेटा पे एक्सेस देना है और क्या नहीं देना है। तो दोस्तों डेटा आपका पहुंच चुका आप ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर उस पर क्या काम करता है, सबसे पहला जो काम मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा को वो ब्रेक कर देता है, यानी डेटा को मल्टीपल पार्ट में ब्रेक कर देता है अपने अकॉर्डिंगली, तो जिसको कहते हैं सेगमेंटेशन। जब वो डेटा को ब्रेक करता है तो वहाँ पर सीरियल सिक्वेंस नंबर मेंशन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने 6 GB मूवी ट्रांसफर करने की बात की थी, उसने 6 पार्ट में उस डेटा को ब्रेक किया था, तो मूवी का जो आगे के पार्ट होगा उसको सीरियल नंबर दे देगा कि जैसे ये मूवी का पार्ट नंबर 1 है, ये मूवी का पार्ट नंबर 2 है, ये मूवी का पार्ट नंबर 3 है। और साथ के साथ वो पोर्ट नंबर मेंशन कर देगा कि जो डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो FTP पे कर रहे हैं, HTTPS पे कर रहे हैं, या उसके अकॉर्डिंग जो भी पोर्ट नंबर होगा TCP UDP वो वहाँ पे मेंशन कर देगा। अब TCP एंड UDP प्रोटोकॉल क्या है और इसका डेटा सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या लेना देना है, इसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो TCP क्या होता है आपका दोस्तों, TCP का मतलब होता है, एक अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि आप ये आप हैं ठीक है, और ये आपके फादर हैं साथ में ठीक है, इनकी मूछें बना देता हूँ मैं ठीक है, ये आपके फादर हैं। इन्होंने आपसे बोला कि अच्छा बेटा स्कूल जाओ, और स्कूल जाके मुझे कंफर्म करना कि आप स्कूल पहुँच चुके हो, ये आपका स्कूल है। आप गए यहाँ पे और आपने यहाँ पे पहुँचने के बाद अपने डैड को फ़ोन किया और बताया कि जी मैं डैड मैं पहुँच चुका हूँ, तो ये कहलाता आपका TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप स्कूल नहीं गए, अब दूसरा सिनेरियो लेता हूँ मैं यहाँ पे, आप स्कूल नहीं गए, आप जो है यहाँ से निकल लिए मूवी थिएटर यानी यहाँ सिनेमा देखने चल दिए आप किसी अजनबी के साथ जिसके की 2 चुटियाँ हैं और ये आप हैं ठीक है, तो मूवी देखने का मजा आप लेने लगे वहाँ पे, आपने अपने डैड को कंफर्म नहीं किया कि आप स्कूल पहुँच चुके हैं, तो ये कहलाता है आपका UDP प्रोटोकॉल ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ TCP की, तो TCP का मतलब होता है कि जब भी आप कोई डेटा ट्रांसफर करते हो तो TCP एक्नॉलेज करता है कि जो आपने डेटा ट्रांसफर किया है वो यूजर तक रिसीव हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर वो डेटा आपके रिसीवर को रिसीव नहीं होता है तो आप फिर दोबारा से उस डेटा को ट्रांसफर करते हो, तो ये काम कहलाता है आपका TCP। वहीं मैं UDP की बात करूँ तो एक डायग्राम पे आप एग्जाम्पल देखो, UDP में डेटा आपने ट्रांसफर किया ठीक है, और वो डेटा आपके रिसीवर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा इससे आपका कोई लेना देना नहीं। आर यू गेटिंग, ये रिप्लाई करता आई डोंट केयर बट सेंड इट फास्ट, यानी UDP में जो आप पैकेट ट्रांसफर करते हो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू TCP, क्योंकि TCP में जो भी आपका डेटा लॉस होता है वो आपको फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि उस डेटा को दोबारा भेजो, और एंड देन आप रिसीवर को फिर वो डेटा दोबारा से सेंड करते हैं राइट। तो UDP में क्या होता है, UDP हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब आप गेमिंग वीडियो स्ट्रीमिंग या ये सारे काम कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप पे तब हम UDP करते हैं। वहां पे स्ट्रीमिंग में जब भी कोई आपका पीछे पैकेट छूट जाता है आप उसको दोबारा नहीं देख सकते, पैकेट ड्रॉप का मतलब ड्रॉप, या हम ये कहें कि जब आप कॉलिंग करते हैं अपने दोस्त को कॉल करते हैं तो बीच में आपकी आवाज ब्रेक होती है, कई बार आप गुस्से में बोलते हैं अरे यार सिग्नल वाली जगह पे यार तेरी आवाज ब्रेक हो रही है राइट, तो वहां पे UDP काम कर रहा होता है। TCP कहाँ पे काम कर रहा होता है, जहां पे कि आप वीडियो अपलोड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी थोड़ी देर में YouTube पे ये वीडियो अपलोड करूंगा तो वो मेरा TCP कनेक्शन कहलाएगा, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहलाएगा, क्योंकि वहां पे मेरा कोई भी डेटा अगर लॉस होता है तो वो दोबारा फिर मेरे लैपटॉप से रिट्रांसमिट होगा, तो ये कहलाता है आपका TCP। तो TCP कितने तरीके किस तरीके से काम करता है, ये आपका मशीन है यानी ये सेंडर मशीन है, ये रिसीवर मशीन है। तो जब भी कोई डेटा हम सेंड करते हैं तो उससे पहले वो एक सिन पैकेट सेंड करता है जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन ठीक है। जैसे ही वो सिन पैकेट रिसीवर को मिलता है, रिसीवर उस पैकेट को एक्नॉलेज करता है और सेंड करता है वापस से बैक सिन एक यानी सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट। और जैसे ही वो डेटा फिर इनिशिएटर यानी आपके सेंडर को मिलता है तो वो कहता है अच्छा जी मैंने सिन भेजा था, मुझे सिन एक मिल चुका है, अच्छा जी अब मैं आपको एक्नॉलेज कर देता हूँ कि हाँ जी अब हमारे बीच में ये कनेक्शन बनेगा, तो आप एक्नॉलेजमेंट उसको सेंड कर देते हैं। तो ये तीन डेटा जब आपके पास
कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको कहते हैं थ्री वे हैंड शेक, यानी तीन तरीके से हैंड शेक, यानी सिन सिनेक एक। अब आप क्या कंफर्म कर सकते हैं कि आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी कनेक्शन बन चुका है। अब आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे क्या ट्रांसफर कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये होता है टीसीपी का काम करने का तरीका। तो कई बार आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है और वो टीसीपी किस तरीके से कौन सा डेटा ट्रांसफर करता है। तो डेटा क्या क्या ट्रांसफर होते हैं ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। और टीसीपी को क्या कहते हैं हम लोग, कनेक्शन ओरिएंटेड। यानी जो कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब होता है कि आपका एक बार कनेक्शन बनने के बाद अगर कोई डेटा लॉस होता है तो आप वो डेटा दोबारा से आप पा सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। यूडीपी का मतलब है कि अगर आपका डेटा लॉस कम्युनिकेशन के दौरान ड्रॉप हो गया या कोई एरर आ गई तो वो डेटा फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको कनेक्शन लेस कहा जाता है। तो हम लोग थे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जहाँ पे कि टॉनी साहब आपके बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमने डिस्कस किया सेगमेंटेशन क्या होता है, यानी सेगमेंट डेटा सेगमेंट कैसे होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टीसीपी एंड यूडीपी क्या होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रोटोकॉल केवल दो ही प्रोटोकॉल काम करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, यूडीपी एंड टीसीपी, ठीक है, इसके अलावा और कोई प्रोटोकॉल यहाँ पे काम नहीं करता। ओके, अब बात करें यहाँ पे फ्लो कंट्रोल की। यहाँ पे एक और आपको एडवांटेज मिलता है फ्लो कंट्रोल का कि आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सिस्टम पे जो आपका निक कार्ड है, यानी यहाँ से आप जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 100 Mbps की स्पीड से, ठीक है, लेकिन सामने वाला एकदम पुराना सिस्टम है, बहुत पुराना, बाबा आलम के जमाने का, वो केवल 5 Mbps की स्पीड को ही ले सकता है। तो ये 100 की स्पीड से जाएगा और वो ओनली 5 Mbps की स्पीड वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आता है फ्लो कंट्रोल, यानी वो रिक्वेस्ट करेगा आपको कि जनाब आप 100 Mbps की स्पीड से मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 100 Mbps की स्पीड के अकॉर्डिंग अपने आप में डेटा डाउनलोड कर लूँ आपसे। तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट करता है और यहाँ पे फिर ये सेंडर क्या करेगा, उसको केवल 5 Mbps की स्पीड से ही डेटा ट्रांसफर करेगा, ना कि उससे ज्यादा के। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी स्पीड है 100 Mbps की स्पीड से सेंडर डेटा ट्रांसफर कर रहा है और रिसीवर की स्पीड ओनली 5 है, तो उसने रिक्वेस्ट करी, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद आप ओनली 1 Mbps की स्पीड से उसको डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसमें भी जो रिसीवर है वो रिक्वेस्ट करेगा आपसे कि आप डेटा को जो है 5 Mbps एटलीस्ट या 5 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करें, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 5 Mbps का डेटा ट्रांसमिशन हैंडल कर सकता हूं। तो इसीलिए यहाँ पे फ्लो कंट्रोल है, ठीक है। तो ये फ्लो कंट्रोल का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने भी दिखाया हुआ है, अगर आप देखें ध्यान से फ्लो कंट्रोल, ठीक है। स्टॉप एंड वेट, यानी जब आपको एकदम बहुत तेजी के साथ डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो 100 Mbps की स्पीड से, तो वो सिग्नल भेजेगा स्टॉप एंड वेट और सेंड मी 1 फ्रेम एट ए टाइम, यानी अपनी स्पीड को कम करो, जो फ्रेम आप सेंड कर रहे हो डेटा फ्रेम, फ्रेम क्या है अभी मैं समझाऊंगा नीचे, तो उसको कम करो और देन मुझे डेटा ट्रांसफर करो। स्लाइडिंग विंडो सेंड्स सेवरल फ्रेम्स एट ए टाइम, यानी जब आपको स्पीड बढ़ानी है तो वो आपको बता देगा कि अच्छा जी आप जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वो 1 Mbps की स्पीड से कर रहे हो, अब आप मेरे को 5 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, मेरी कैपेसिटी है। उसी के साथ यहाँ पे एरर कंट्रोल भी आ जाता है कि अगर आपका डेटा कहीं पे लॉस होता है, फॉर एग्जांपल के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के दौरान पे आपका ये सेंडर है, ठीक है, सेंडर मशीन है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ अभी, सेंडर और ये आपका रिसीवर रहा, ठीक है। अब आपने क्या करा, यहाँ से 1 पैकेट 2 पैकेट एंड 3 पैकेट सेंड करे, लेकिन उसको केवल 1 और 3 वाला पैकेट मिला, 2 वाला पैकेट उसको नहीं मिला, तो ये कहलाता आपका एरर कंट्रोल। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन इसको मिल जाती है, यहाँ पे ARP का कॉन्सेप्ट आता है और वो फिर क्या करता है सेकेंड पैकेट को भी ट्रांसफर करेगा, तो इसको सेकेंड पैकेट भी मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे वो सीक्वेंस नंबर भी लगा देता है कि कौन से सीक्वेंस का डेटा आपको मिला है, वो सीक्वेंस वाइज ही जाएगा 1 2 3 4, जैसे ही उस सामने वाला देखेगा 1 2 3 गायब है, 4 और 5 मिला, तो वो कहेगा अच्छा जी 3 तो गायब है, मेरे को मिला ही नहीं, तो आप उसको दोबारा सेंड करो। ओके, उसके बाद कनेक्शन एंड कनेक्शन लेस मैंने बता दिया, कनेक्शन में क्या आता है आपका टीसीपी आता है एंड कनेक्शन लेस में आपका क्या आता है यूडीपी आता है, राइट। तो ये होगी सारी बात ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के बारे में, होपफुली कि आपको सारा समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, क्या क्या काम होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे नाना पाटेकर की आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। तो L3 यानी नेटवर्क लेयर का काम क्या है, यानी इसको L3 क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी लेयरिंग चलती है दोस्तों वो फिजिकल लेयर यानी L1, ये L2 एंड ये L3, ऐसे ये L4 होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो L3 यानी नेटवर्क लेयर पे क्या होता है कि आपका राउटर आता है, राउटर का काम क्या होता है, एक बेस्ट पाथ प्रोवाइड करने का। अगर मैं बात करूं एक कॉमन एग्जांपल से कि बेस्ट पाथ कैसे प्रोवाइड करता है, तो आपने गांव घरों में या शहरों में आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा जो चचा लोग होते हैं, पुराने बूढ़े लोग होते हैं, मिर्जापुर वाले चचा की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
ठीक है, नॉर्मल जो चचा हमारे होते हैं गांव घरों में उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे अगर पूछो चचा वो रामलाल का घर कहाँ है, तो वो बता देता है, अच्छा बेटा वहां से जा दो गली छोड़ के वो कालू की दुकान है, उसके सामने वाला घर जो है रामलाल का है, वो इस तरीके से बता देंगे। या उनसे पूछो अच्छा वो चंदन सिंह का घर कहाँ पे, वो बता दो अरे बेटा इधर से चले जाओ, यहाँ से लेफ्ट ले लेना, वहां से राइट ले लेना, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो ये होता है तरीका, ये नहीं जैसे हमारे गांव वाले चचा काम करते हैं वैसे ही हमारा राउटर काम करता है। राउटर जो है आपको बेस्ट पाथ प्रोवाइड कर रहा होता है और इन्फॉर्मेशन देता है कि अच्छा जी आपको इस डेस्टिनेशन पे जाना है, अच्छा तो ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है, आप इधर चले जाओ, अच्छा जी ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है, आप इस तरीके इस रास्ते से चले जाओ। तो ये काम होता है आपके राउटर का, जो कि आप आगे की सीरीज में हम जिसको कि हम डिटेल में एकदम पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है अभी, अभी ये केवल आपको समझना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो खाली बस आपको समझना है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की, कि राउटर पे यानी L3 लेयर पे या नेटवर्क लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो ये रही आपके सामने में, जिसमें कि जो मेजरली हम प्रोटोकॉल जो जिस पे आप लोग काम करेंगे वो रहेगा OSPF, जिसकी कि मार्केट में डिमांड है, एंड उसके बाद BGP होगा कहीं पे, एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल, ये रहा IBGP एंड EBGP होता है, राइट। तो ये प्रोटोकॉल हैं जिसपे कि आप मेजरली तरीके से काम करोगे, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये लॉजिकल एड्रेस वगैरह, ये हम आगे की स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल हैं जो कि हम अपने नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। बढ़ते हैं आगे अपने स्लाइड पे, तो सामने आता है डेटा लिंक लेयर के बारे में, जिसमें कि हमारे धर्मेंद्र जी हैं, जी बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो जी बसंती तो नाचेगी क्योंकि हमें डेटा लिंक लेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो डेटा लिंक लेयर मतलब जो नेटवर्क लेयर से जो डेटा आगे फॉरवर्ड होता है इसको हम कहते हैं डेटा, राइट। ये डेटा अब आ गया यहाँ पे, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये वो डेटा है जो नेटवर्क लेयर से रिसीव हुआ है। उसके आगे पीछे जो है हमारे डेटा लिंक लेयर पे दो हेडर लग जाते हैं, एक तो हेडर कहलाता है और एक टेल टेल कहलाता है, इसको हम टेल भी कहते हैं, पूंछ यानी या ट्रेलर कह लो, ठीक है। तो हेडर में क्या करता है, वो हेडर में जो है अपना फिजिकल एड्रेस कनेक्ट करता है। हर डिवाइस का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है, जितने भी नेटवर्किंग के हमारे डिवाइस हैं उनका एक फिजिकल एड्रेस होता है, जिसको कहते हैं मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। वो मैक एड्रेस जो है हर डिवाइस का यूनिक होता है, वो कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो वो एड्रेस आपका यहाँ पे लग जाता है। हमारे पास दो तरीके के एड्रेस होते हैं, दो तरीके के एड्रेस, राइट। मैं थोड़ा सा और आपको समझा दूँ, एड्रेस एक होता है आपका फिजिकल एड्रेस, ठीक है, और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस आपके दो तरीके के होते हैं, एक कहलाता है आपका IPv4, जिसमें कि IP एड्रेस वर्जन 4 आ जाता है, और एक होता है IPv6 यानी IP वर्जन 6। फिजिकल एड्रेस में आपका आ जाता है मैक एड्रेस। तो ये दो एड्रेस होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं नेटवर्किंग में। तो अगर आपके पास मोबाइल फोन है या लैपटॉप या PC है जिसपे कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, तो उसका एक यूनिक मैक एड्रेस होगा, प्लस जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करोगे तो उसको आपके डिवाइस को एक IPv4 एड्रेस मिलेगा। ओके, तो आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे वो एड्रेसिंग कर लेता है, और फ्रेम स्टार टाइप और क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें वहां पे हेडर वो लगा लेता है, और ट्रेलर में वो एरर डिटेक्शन एंड फ्रेम स्टॉप लगा लेता है। तो टोटल कहलाता है आपका इनकैप्सुलेशन, यानी इसको हम कहते हैं फ्रेम, राइट। तो ये सारे काम होता है आपका डेटा लिंक लेयर पे। यहाँ पे वो ट्रेलर क्यों लगाता है, वो एरर डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने रिसीवर को एक डेटा ट्रांसफर किया, ठीक है, ये डेटा में था मेरा हेलो, हेलो पैकेट था यहाँ पे मेरा, ठीक है, हेलो था, यहाँ पे इसने ट्रेलर लगा लिया यानी इसने चेकसम लगा लिया, यहाँ पे इसने बोला अच्छा जी मैं 1111 लगा रहा हूँ। अगर रास्ते में ये हैकर ने अगर डेटा मॉडिफाई करने की कोशिश की तो ये चेकसम 0 या 1 या कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको 1 1 रखता हूँ। जब रिसीवर को मिला है, यहाँ पे मेरा रिसीवर बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये रिसीवर को हेलो पैकेट वो अभी पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, उससे पहले यहाँ वेरीफाई कर लेगा वर्ड 1110, वो देखेगा यार यहाँ पे 0 है, यानी जब भेजा गया था वो तो 1 था, अभी यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये डेटा में किसी ने कुछ गड़बड़ करी हुई है। तो डेटा की गड़बड़ी को हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेकसम, यानी जो डेटा लिंक लेयर पे एरर डिटेक्शन हम कोड यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, राइट। बात करते हैं डेटा लिंक लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है। तो दोस्तों डेटा लिंक लेयर पे आपका जो कॉमनली डिवाइस यूज होता है वो है आपका स्विच, ठीक है। तो जो स्विच है वो भी आप आगे की CCNA की सीरीज में कंप्लीट तरीके से देखोगे कि स्विचिंग कैसे काम करती है, स्विचिंग पे क्या क्या होता है। तो स्विच हमारा यहाँ पे काम करता है। अब स्विच किस तरीके से काम करता है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे, फिलहाल के लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, वो किस तरीके से काम करता है।
अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल लेयर पे। तो दोस्तों फिजिकल लेयर पे जब डेटा लिंक लेयर से जो डेटा रिसीव होता है हमारे फिजिकल लेयर पे, तो वो जो डेटा रिसीव होता है वो 0101 की फॉर्म में रिसीव होता है दोस्तों। लेकिन जो आगे जो डेटा हम प्रोसेस करते हैं वो डिपेंड करता है कि आगे जो मीडिया है प्रोसेस करने का डेटा वो किस तरीके से, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि या आइदर फ्लाइट के थ्रू या हम पानी के जहाज के थ्रू आपको डेटा को कैरी करना है, तो डिपेंड करता है। अगर आपका डेटा नॉर्मल कॉपर फायर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम पे दिखाया हुआ है, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से डिजिटल सिग्नल में ट्रांसमिट होगा। लेकिन अगर आपका डेटा जो है अगर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जा रहा है तो वो लाइट की फॉर्म में जाएगा, यानी लाइट की फॉर्म में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो लाइट मीडियम पे वर्क करता है। अगर आप अपना डेटा जो है मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपका डेटा एक डिश एंटीना के थ्रू ट्रांसफर होगा, जिसमें कि आपका सिग्नल एनालॉग सिग्नल होगा। तो ये डिपेंड करता है आपका आगे ट्रांसमिशन कैसा है। और जब ये आपका डेटा आपके रिसीवर के पास पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने डेटा ट्रांसफर किया फाइबर के थ्रू, और ये आपके पंकज यानी कालीन भैया ने डेटा प्रोसेस किया फाइबर के थ्रू, और वो गया आपके रिसीवर के फिजिकल लेयर के पास, तो वो देखेगा अच्छा जी ये डेटा जो मेरे को रिसीव हो रहा है ये फाइबर ऑप्टिक के थ्रू, यानी ये आपका ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू रिसीव हो रहा है, तो इसको मेरे को कैसे कन्वर्ट करना है, वो 0101 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर आपका डेटा मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसमिट हो रहा है, यानी एंटीना के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, यानी इसको आरवी सिग्नल कहते हैं, रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के थ्रू अगर ट्रांसमिट हो रहा है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा, किस में कर देगा, 0101 की फॉर्म में, एंड प्रोसेस कर देगा डेटा लिंक लेयर के पास, और वहां पे फिर वेरीफाई करेगा चेकसम वगैरह एरर डिटेक्शन वगैरह, एंड देन फिर फॉरवर्ड करेगा नेटवर्क लेयर के पास। तो इसी तरीके से वो फिर आगे आपका डेटा जो है बढ़ता जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आ गई हो, और यही था आपके ओएसआई मॉडल में जो कि हमने डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा, और जो टर्म मैंने डिस्कस किए थे वो समझ में आए होंगे। कहीं पे अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आप लोगों को करेक्ट करूंगा, या अगर मैं खुद गलत हूँ तो मैं खुद को करेक्ट करूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ दोस्तों। आगे की पूरी सीरीज आपके लिए रखी हुई है, आप देखें, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मेरे को सीरीज को मॉडिफाई करना था उसको मैं मॉडिफाई करते रहता हूँ टाइम टू टाइम। और फिर मिलते हैं, बाय, जय हिंद।